हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल भरगैन का शेफ। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल रेसिपी, वेज ब्रौंसी कबाब। आज मैं आपको बताऊंगा आप आसानी से वेज ब्रौंसी कबाब कैसे बना सकते हैं, वो भी अपने घर में और अपने रेस्टोरेंट में। आपने लेना है ऐसा एक डिप बॉल, डिप बॉल के अंदर आपने पनीर ग्रेट कर लेना है। इस तरीके से पनीर ग्रेट करने के बाद आपने आलू ग्रेट करना है। आलू ग्रेट करने के बाद आपने इसमें डालना है हरी मिर्च, थोड़े से मिक्स बेल पेपर, इनसे क्या है अच्छा लगेगा। इस कबाब की जो सबसे जरूरी चीज है, जिसके बिना ये बन नहीं सकता, वो है ये चुकंदर, बीटरूट, ये बहुत ही जरूरी है डालना, धनिया के पत्ते। और ये बहुत जरूरी क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। गरम मसाला, जीरा पाउडर, बारीक कटी हुई अदरक, ब्रेड क्रम्ब और भुने हुए चने का पाउडर, जो चना मार्केट में मिलता है उसको आपने पीसना है, फिर वो डालना है। बेसन ना डालें, नहीं तो वो मज़ा नहीं आएगा जो आना चाहिए। नमक, ये सारी चीज़ें डाल के आपने इसको ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए चुकंदर की वजह से इसका कलर चेंज हो गया, इसलिए मैंने बोला था कि चुकंदर डालना बहुत ही जरूरी है। ये जो कबाब का नाम है ये आया है गढ़वाल से, जो गढ़वाली लोग हैं हमारे वो सबसे ज़्यादा हैं तंदूर डिपार्टमेंट में और होटल इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वो ये कबाब लेके आए अपने गाँव से। उनके यहाँ एक फूल होता है ब्रौंसी नाम का और उसका कलर ऐसा होता है, तो उस फूल के नाम पे ये कबाब बनाए। इस तरीके से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके आपने टिक्की बना लेनी है, इसको फ्राई करेंगे। इसको और स्पेशल और ख़ास बनाने के लिए जब हम टिक्की बनाएंगे तो इसके अंदर चीज़ स्टफ करेंगे। आप बिना स्टफ के भी बना सकते हैं, लेकिन जब आप इसके अंदर चीज़ डालेंगे ना तो आपका खाना एक अलग लेवल पे जाता है। मतलब एक अच्छा नाम दिया आपने तो खाना भी अच्छा होना चाहिए। आपने इस तरीके से तोड़ लेना है, जितना बड़ा आपने बनाना है, साइज आपकी मर्जी है। मैं बार बार ये चीज़ बताता हूँ, मैं भी इसी तरीके से सारे तोड़ लूँगा। पहले ऐसे तोड़ने के बाद आपने देखिए ऐसे एक पीस लेना है और ऐसे दबाना है, ऐसे दबाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपने इसके अंदर भरना है थोड़ा सा अमूल चीज़। जब आप इसको तोड़ेंगे ना तो ये बहुत ही बढ़िया निकलेगा, मज़ा आएगा आपको। फिर आपने ऐसे देखो बंद कर देना है, बंद करने में आपने ध्यान रखना है खुल ना जाए। ये देखिए ऐसे बंद कर लें, ये ना निकले, इसको जिसको बोलते हैं ना सीमेंट लगा देना, उसके लिए आपने क्या करना है वो भी आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपने इसके ऊपर ना ऐसे करम लगा लेना है। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो ये निकलेगा नहीं, दूसरा ये एकदम क्रिस्पी हो जाएगा, तो आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में। ये देखिए ऐसे आपने बनाना है। करम लगाना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप चीज़ स्टफ कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसके फ़ायदे ये हैं, एक तो चीज़ नहीं निकलेगा, दूसरा एकदम क्रिस्पी हो जाएगा जैसा कि आपको पसंद है। मैं इसी तरीके से सारे बना लूँगा, आप भी ऐसे ही बना लें। ये देखिए मैंने कबाब बना लिए हैं, अब मैं आपको ये फ्राई करके दिखाऊंगा। फ्राई करने के लिए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, गैस एकदम स्लो, तेल हल्का सा गर्म हो, ठंडे तेल में ना डालें नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। और ऐसे चला दें, बढ़िया फ्राई करना है आपने एकदम, मतलब मज़ा आ जाए, कलर भी खराब ना हो। ये देखिए ऐसा कलर आपने रखना है। अब मैं ये निकाल लूँगा, कलर ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे आपने निकाल लेना है। आपको बिल्कुल घर की स्टाइल में फ्राई करके बता रहा हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो। ये फ्राई आइटम है तो आप इसमें नीचे थोड़ी केबेज या फिर गाजर डाल सकते हैं ताकि कभी बाय मिस्टेक तेल आ जाए तो गेस्ट को नज़र ना आए। लेकिन अभी मैंने एकदम अच्छे से फ्राई किए तो आएगा नहीं, तो मैं आज लगाने वाला नहीं हूँ। इस तरीके से आपने रख देना है। अब मुझे उम्मीद है कि आज आपको इसका कलर बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। ये देखिए इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से धनिया के पत्ते,
और हल्का सा चाट मसाला, एक बहुत ही शानदार रेसिपी बनके तैयार है। और आपका मन होगा कि मैं आपको एक तोड़ के दिखाऊं, ताकि इसके अंदर चीज कैसा लगा वो आप देख। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसी तरीके से आपने बनाना है, ऐसा होना चाहिए, बहुत ही शानदार। आज मैं आपके लिए लेके आया वेज ब्रोंसी कबाब, और मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया आप आसानी से कैसे बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा काम पसंद आया, आपके दिल को टच किया, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए